देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष को हम एक यादगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष के लिए देश की आजादी से जुड़े हुए एक कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी है और उस श्रृंखला में देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा, ये सिर्फ झंडा नहीं है, यह आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया देश की आजादी पाने के लिए, लाखों लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उनके ही इस लड़ाई के कारण हम आजाद भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि हम इसको एक यादगार वर्ष के रूप में मनाएं और इसीलिए इस 15 अगस्त को, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम सब लोगों ने तय किया है कि हर घर तिरंगा, यानी हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा। करोड़ों के हिसाब से झंडे की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था की गई है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने छतों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने वरांडे के बाहर, अपने अपने फ्लैट्स के बाहर तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी बढ़ाएं और देश को एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत करते हुए हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं यह भी कहूंगा कि जो हमारे सोशल मीडिया में लोग हैं, अपने डिस्प्ले प्रोफाइल में आज से लेकर 15 अगस्त तक वहां तिरंगा को दिखाएं और हमारा प्रोफाइल जो है वो राष्ट्रीय ध्वज दिखना चाहिए उसमें, ऐसा हमारा निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक यादगार वर्ष के रूप में मनाएंगे और देश आज़ादी की याद भी करेगा और देश राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होता हुआ कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा ही तिरंगा इस बात को लेकर के हम चलेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।